मैं वहां से भी एक काम कर देता मगर मैं आज प्रियान को बताने ये मेरा परिवार, ये मेरा परिवार। क्या कभी कोई भाई बताता है कि वो अपनी बहन के लिए क्या करने वाला है? तो ये जब तक पढ़ेगी, सिर्फ पढ़ेगी नहीं, ये जो बनना चाहती है इसका भाई इसके पीछे था। हम अपने परिवार को इसी के हाथ में फैलाने देंगे और हम खड़े हैं इनके साथ। हमें खुद को बेच के भी लड़ाई को जीतना पड़ा तो हम इसको जीतेंगे। भीम आर्मी के लाखों फॉलोवर्स होंगे, आपके कार्यकर्ता होंगे। कल बताऊंगा, कल शाम परसों आके पूछना इनसे कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने जवाब दी तो बहादुर बन के अपनी पढ़ाई नहीं, कोई देख जाओ, दो दिन दो बस अभी सब ठीक हो जाए, कोई दुश्मन की हर्षित नहीं थी। याद रखना मेरी बात, मैं वहाँ से भी एक काम कर देता मगर मैं आज प्रियान को बताने के मेरा परिवार। अच्छा चंद्रशेखर जी, एक एक सवाल करनी थी आपसे, एक सवाल चंद्रशेखर जी, एक सवाल करनी थी बस आपसे, एक सवाल करनी थी कि क्या इस घर की आर्थिक स्थिति पे आप कुछ क्या करने जा रहे हैं? मैंने आपसे, आप बाहर नहीं, ये मेरा परिवार। क्या कभी कोई भाई बताता है कि वो अपनी बहन के लिए क्या करने वाला है? क्योंकि ये बच्चियाँ अभी पढ़ने के लिए है और मैंने इनको, ये जब तक पढ़ेगी, सिर्फ पढ़ेगी नहीं, ये जो बनना चाहती है इसका भाई इसके पीछे खड़ा। क्योंकि भीम आर्मी के लाखों फॉलोवर्स होंगे, आपके कार्यकर्ता होंगे। कल बताऊंगा, कल शाम परसों आके पूछना इनसे कि मैं क्या कर सकता हूँ। जी नहीं, मुझे कहना ये था कि अगर आपके फॉलोवर्स हैं और लाखों कार्यकर्ता है, चूंकि इनके फादर भी कर्मठ कार्यकर्ता थे, तो क्या, हाँ जी भाई थे आपके, तो अपने भाई के लिए अगर क्या आप अपने कार्यकर्ताओं से ये नहीं कह सकते कि 10-10 रुपए इनके अकाउंट में डाल दें? हमने कह दिया, आपने सुना नहीं है, जो बाहर थे वो बताएंगे। हमने कल, हम इनका अकाउंट नंबर रिलीज करेंगे, हम अपने परिवार को इसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देंगे और हम खड़े हैं इनके साथ। बिल्कुल, अगर हमें खुद को बेच के भी लड़ाई को जीतना पड़ा तो हम इसको जीतेंगे। तो आप ये अकाउंट नंबर आप शेयर करेंगे और मैं कल हम लोग उसको जारी करेंगे, लेकिन याद रखना हम इस लड़ाई को जीतेंगे। बस मैं बस आपसे उम्मीद करती हूँ कि मैं तो आपसे पहले कह चुका इस बात को, कोर्ट वाले मामले को आप उसको लीड करोगे, तो अभी बात कर लेंगे। ये देखो, मैंने चुप हो जाओ, चुप चुप चुप, चलो मैं बात कर लूँगा, आप अंदर आओ, बस खड़े जाओ, उधर उधर ऐसे खड़े जाओ, मेरे पास नहीं आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, बस पीछे थोड़ा हट जाइए। हाँ सब सब मैंने कह दिया उनसे कि तुम एक पैसा तुम्हें नहीं देना पड़ेगा, हम अपने उससे करेंगे, ठीक है। मैंने तुम्हारे से कहने से पहले कह दिया, मुझे भरोसा था इस बात सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।